लोहिया ने कहा था कि भारत देश में आर्थिक असमानता तो है लेकिन सामाजिक असमानता भी है. लोहिया के समाजवाद और दीनदयाल के एकात्मक मानव दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे. नमस्कार, मैं शोभा अक्षर आप सबका दी संडे पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ. आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, या यूँ कहूँ जो आज के हमारे मेहमान हैं, वो शिक्षाविद तो हैं ही, साथ ही साथ एक महान विचारक भी हैं. उनके बारे में जितना भी आख्यान किया जाए वो कम है. 30 से अधिक किताबों के रचयिता, 100 से अधिक शोध पत्रों के उन्होंने 100 से अधिक शोध पत्र दिए हैं, और उनको डॉक्टरेट की उपाधि है, डीलिट की उपाधि है, जिसका विषय है सोवियत इकोनॉमिक एड टू इंडिया. आपको मैं अल्पकालिक तौर पर राजनीतिक भी बता सकती हूँ. आप 1994 से 2006 तक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहे हैं, और सबसे इसमें सबसे खास बात ये रही कि 1997 में आपको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला है. आपने कई ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस में भी आप सदस्य रहे हैं. आपको 2015 में भारत सरकार द्वारा नेशनल रिसर्च प्रोफेसर द्वारा मनोनीत भी किया गया है, और कई उपलब्धियां हैं आपके साथ. लेकिन आज हम जिनसे आपका परिचय कराने जा रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अशोक गजानन मोदक जी. सर, सबसे पहले आपका दी संडे पोस्ट पे स्वागत. सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लोहिया के बारे में, लोहिया का ये मानना था कि जिस दिन आर्थिक असमानता दूर हो जाएगी उस दिन जातिगत जो असमानता है, जो खाई है, वो भी पूरी हो जाएगी. मतलब जातिवाद नहीं रहेगा इस देश में. लोहिया के समाजवाद की पर्याय और उनकी विशेषताओं के बारे में आपका दर्शन क्या है? देखिए शोभा जी, पहली विशेषता लोहिया ने प्रस्तुत किए हुए समाजवाद की यह है कि वह अध्यात्म के आधार पर अधिष्ठित है. कुल मिलाकर उसके 7 पहलू मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ. जबकि मार्क्स ने अपने समाजवादी विचार में माइंड बॉडी डाइकोटॉमी का उल्लेख किया है. मार्क्स ये कहता है कि शरीर मुख्य है, मानसिकता ये सुपर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है. भारतीय विचारधारा, आध्यात्मिक विचारधारा इस विश्वास से आगे चलती है कि देर इज ए काइंड ऑफ लिंकिंग बिटवीन बॉडी एंड माइंड. और यदि मन स्वच्छ होगा, निर्लेप होगा, तभी शरीर से होने वाली गतिविधियाँ सच्चे अर्थ में कल्याणप्रद होगी. तो डॉक्टर लोहिया ने जो समाजवादी विचार रखा उसमें मैं शायद ये कहूँगा कि एक दृष्टि से एकात्म चिंतन है. टुकड़ों टुकड़ों में चिंतन करना भारत के लिए मंजूर नहीं है. दूसरी बात, लोहिया जी कॉस्मोसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग का आइडियल सामने रखते हैं, होमोसेंट्रिक नहीं. जो व्यक्ति खुद को समाज का अंग मानता है, सृष्टि का अंग मानता है, और आगे चलकर परमेष्टि का अंग मानता है, उसे कहा जाता है सर्वभूत हिते रतः, स्वहितरत नहीं. डॉक्टर लोहिया के समाजवाद की तीसरी विशेषता मैं ये कहूँगा कि ही बिलीव्स इन पॉजिटिव अफर्मेटिव कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, नॉट नेगेटिव, नॉट रिएक्शनरी. चौथी विशेषता कि केवल क्लास कॉन्शियसनेस पर जोर देने से ये चिंतन पूरा नहीं होता. देर इज क्लास कॉन्शियसनेस, रेस कॉन्शियसनेस, कलर कॉन्शियसनेस, स्टेटस कॉन्शियसनेस. अलग शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि लोहिया जी बिलीव्स इन मल्टी डायमेंशनल कॉन्शियसनेस, नॉट ओनली क्लास कॉन्शियसनेस. पांचवी विशेषता यह है कि वेयर एज मार्क्स बिलीव्स इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट, भारतीय चिंतन कोऑपरेशन को भी महत्व देता है. हाँ, आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत उत्पन्न हुई तो वी विल डेफिनेटली ऑप्ट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, बट
our basic second nature is relying on cooperation, coordination, harmonization. Chhati visheshta, केवल राज्य संस्था पर कब्जा करने से मजदूर का भला नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड रिलायंस ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन. आवश्यकता मानसिक परिवर्तन की, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. और सातवीं विशेषता लोहिया के समाजवाद की, ही डजंट इग्नोर नेशनलिज्म, ही डजंट इग्नोर कल्चर, सिविलाइजेशन, रिलीजन. जबकि मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज ओपियम. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आपका सवाल था कि लोहिया ने प्रस्तुत किए हुए समाजवाद की विशेषताएं क्या है, शायद मैंने कुल मिलाकर जो सात विशेषताएं बताई आपका समाधान हुआ होगा. सर, एक हिंदी साहित्यकार हैं, मुझे उनके कथन याद आ रहा है, मदन कश्यप जी. उनका कथन ये था कि अन्य अन्य देशों में जो है लगभग एक ही विचारधारा पाई जाती है, वह है मार्क्सवाद. हम बहुत आगे हैं उनसे विचारधाराओं में, हम बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं, क्योंकि हमारे पास अंबेडकर की भी विचारधारा है, लोहिया की भी विचारधारा है समाजवाद, और गांधी का गांधीवाद भी है. लोहिया स्त्री विमर्श पर बहुत मुखर होकर बोलते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा भी कि भारतीय नारी को जो है वो द्रौपदी के समान होना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी जो है कभी भी मानसिक रूप से किसी पुरुष से हारी नहीं. तो लोहिया के इस स्त्री विमर्श, जो कि आज के जो लेखिकाएं हैं स्त्रियों पर लिखती हैं, वो शायद स्त्री के देह और स्त्री की पीड़ा से उभर कर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात बड़ी सीधी है. सप्त क्रांति में मैं उल्लेख करने वाला हूँ ही, लेकिन सप्त क्रांति की संकल्पना स्त्री पुरुष समानता से शुरू होती है. लोहिया जी का यह कहना था कि हम महिलाओं का उचित सम्मान करें, उनको प्रतिष्ठा दें, उनको निर्णय प्रक्रिया में सहभागी करें. कई दफ़ा मुझे लगता है कि भगवद गीता के 10वें अध्याय में जो 34वां श्लोक है, जो महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में भारतीय चिंतन का स्त्री विमर्श के बारे में जो चिंतन है उसके ऊपर प्रकाश डालता है. वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्ति श्रीर वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा. संपूर्ण विश्व को हरण करने वाला मृत्यु मैं हूँ. धीरे धीरे भविष्य में अनफोल्ड होने वाला जन्म मैं हूँ. और नारी जिन सात गुणों से अभिव्यक्त होती है, वे सात गुण भी मेरे आविष्कार है. सात गुण कौन से? कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा. मुझे कई दफ़ा लगता है लोहिया जी ने जो लेखन किया है, लोहिया जी ने नारी जगत के बारे में जो बार बार लोगों के साथ संभाषण किया है, भाषण किया है, लोहिया जी बिलीव्ड इन दिस श्लोका. और इसीलिए नारी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, नारी को सम्मान मिलना चाहिए. शायद इसी कारण लोहिया ने जब स्टालिन की कन्या श्वेतलाना भारत आई थी, अपने पति की अस्थियां लेकर आई थी, और बाद में वह चाहती थी कि मैं भारत की ही वासी बनूं, लेकिन इंदिरा जी ने अनुमति नहीं दी. अब दिल्ली में आप जानती है कि रूस का दूतावास और अमेरिका का दूतावास एडजेसेंट टू ईच अदर है. उसने निर्णय लिया कि यदि भारत की प्रधानमंत्री मुझे यहाँ रहने के लिए अनुमति नहीं देती, तो आई शुड गो टू अमेरिका, आई विल नॉट गो बैक टू रशिया. वह अपने दूतावास से उठकर अमेरिका के दूतावास चली गई. अमेरिका ने प्रश्रय दिया. दूसरे दिन टिकट निकालकर वो रोम चली गई, और वहाँ से उन्होंने एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया
कि आई हैव सेड गुडबाय टू रशिया एंड आई एम गोइंग टू बी ए सिटीजन ऑफ अमेरिका. लोहिया उन दिनों में संसद के सदस्य थे. उन्होंने सवाल उठाया कि सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नारी है, लेकिन उन्होंने ही अनुमति नहीं दी, फलतः स्टालिन की कन्या को भारत का प्रश्रय छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा. देखिए, उन्होंने ही इंटरव्यू में बताया है. मेरे कहने का मतलब, लोहिया महिला जगत की इज्जत किया करते थे. स्त्री की प्रतिष्ठा उनके लिए एक श्रद्धा का विषय था, और इसीलिए लोहिया जी का चरित्र, जो वास्तव में श्रीमती केलकर ने लिखा है, लोहिया जी वॉज प्रैक्टिकली ए मेम्बर ऑफ दैट फैमिली. और पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ कहीं घूमते थे, जीन अपने ठीक कहा, पर कहते थे महिलाओं ने द्रौपदी का अनुकरण करना चाहिए. द्रौपदी हमारे लिए एक अच्छा मॉडल है. सर, अगर बात वर्तमान समय की शिक्षा नीति के बारे में करें और देश की युवाओं के बारे में करें, एक कथन मुझे याद आता है, वो भी लोहिया का है, और आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आज हिंदी दिवस भी है, और कहा जाता है कि लोहिया अंग्रेजी विरोधी थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो हिंदी के हिंदी के समर्थक थे, ना कि अंग्रेजी के विरोधी थे. लेकिन जो आज के युवा वर्ग है, अक्सर देखा गया है कि वो अंग्रेजी को जो है एक मॉडर्नाइजेशन के तौर पर देखता है, और हिंदी की अवहेलना कहीं ना कहीं वो युवा कर रहा है, और बड़े बड़े मंचों पर उनको शायद हिंदी में बोलने में शर्म आती है. इस परिप्रेक्ष्य में जिस दिशा और दशा में युवा जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात यह कि लोहिया जी का नारा था अंग्रेजी हटाओ. मैं कई दफ़ा लगता हूँ कि नेहरू लोहिया जी की प्रतिमा पर उसका असर हुआ है. वास्तव में उनका एम्फसिस, उनका जोर अंग्रेजी हटाओ पर कम था. मातृभाषाओं को बिठाओ. भारत में जितनी मातृभाषा है, हिंदी से लेकर मराठी, बंगला, गुजराती, उन भाषाओं को सुप्रतिष्ठित करें, ये लोहिया जी का आग्रह था. आपने कहा वह ठीक है कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, और आज विशेषता हिंदी दिन होने के कारण जो बात चुभती है हम सब के लिए, कि हिंदी को वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. भारत की हिंदी यही भाषा संपर्क भाषा है. अंग्रेज नहीं आए थे तो भी यहाँ का व्यक्ति वाराणसी जाता था, तमिलनाडु जाता था. क्या ये सही नहीं कि हिंदी में ही बोलचाल करता था? कहने का मतलब, अंग्रेजी के कारण ही भारत में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकता है, ये गलतफहमी है. आज भी भारतवर्ष में हिंदी सिनेमा जितना लोकप्रिय है, अंग्रेजी नहीं. हिंदी संगीत जितना लोकप्रिय है, अंग्रेजी गीत नहीं. आखिर हमारा राष्ट्रगीत तो हिंदी में है. इसीलिए लोहिया जी कहा करते थे कि शिक्षा का माध्यम, सच कहा जाए तो, अपनी अपनी मातृभाषा होनी चाहिए. हाँ, अंग्रेजी के दुश्मन नहीं थे लोहिया. दुनिया में घूमना फिरना है, इंग्लैंड, अमेरिका, इन देशों के साथ संपर्क प्रस्थापित करना है, अंग्रेजी की ज़रूरत है ही. लेकिन अंग्रेजी को वह स्थान नहीं मिलना चाहिए भारत में जो हिंदी को आवश्यक है. उन दिनों में लोहिया जी तो कहा करते थे, क्या दुर्भाग्य है अपने देश का कि भारत की राजधानी में एक दो नहीं, पांच अंग्रेजी दैनिक है, और हिंदी के दैनिक को वह प्रतिष्ठा नहीं, वह सम्मान नहीं. इसीलिए शिक्षा नीति के बारे में लोहिया जी का यह जो आग्रह था, वो दुनिया ने मान्य किया है कि मातृभाषा में ही छात्र ने पढ़ना चाहिए, शिक्षकों ने पढ़ाना चाहिए. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के युवक युवतियाँ भी हिंदी भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में एक अच्छा भाव रखेगी.
अभी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि उनका वो मानते थे कि जिस तरह से माँ के दूध का कोई विकल्प नहीं होता, उस तरह से हिंदी भाषा का कोई विकल्प नहीं होता, इस पर वो पुरजोर करते थे अपनी बात को। लोहिया से आगे चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर। उनका एकात्मक जो दर्शन है, मानव दर्शन, जिसको इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा जाता है, मैंने पढ़ा भी था, आपने उस पर एक व्याख्यान भी दिया है, तो मैं चाहूँगी द संडे पोस्ट को आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है। मैं ऐसा कहूँगा कि केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता अधोरेखित हो चुकी है। कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। 2016 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित हुई, उसमें यह बताया गया है कि हमने स्पाइरल सर्कल्स की ओर ध्यान देना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की ओर नहीं। व्यक्ति है, परिवार है, गांव है, जिला है, क्या ये सर्कल एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है या नहीं। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे ह्यात्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। ये भारत की संकल्पना है। मैं किसी न किसी परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा पहला रिश्ता परिवार के साथ है। मैं जब स्कूल जाने लगता हूँ, मेरा रिश्ता गांव के साथ होता है। महाविद्यालय यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो जिला है, जनपद है। और एक आदर्श स्थिति भारतीय चिंतन में यह हमेशा मानी गई है कि एको हम बहुस्याम। महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र में हमें यह पढ़ने के लिए मिलता है कि गांधी जी कहा करते थे, देखो भाई, बचपन में तो हम केवल उपभोक्ता है, समाज की ओर केवल लेते रहते हैं। हर जन्मदिन पर हमने ये संकल्प करना चाहिए, उम्र से जब मैं बड़ा होता जाता हूँ तब तो मैंने समाज को देना चाहिए, मेरा समाज के साथ रिश्ता है। अब मुझे बताइए, क्या ये विचार आज प्रासंगिक साबित हुआ है या नहीं। नंबर एक, आज विकास की जो संकल्पना है वह भी सर्वांगीण हो चुकी है। जोसेफ स्टिगलिट्स ने विकास की जो परिभाषा की है, वह कहते देखिए, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। नेचुरल कैपिटल, भूमि है, जल है, प्रकृति। फिजिकल कैपिटल, बिल्डिंग है, मिल है, फैक्ट्री है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर ब्रिजेस है। ह्यूमन कैपिटल यानी स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन स्टिगलिट्स कहता है इससे भी विकास नहीं होने वाला, आवश्यकता सोशल कैपिटल की है। समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में मनोमिलन होना चाहिए, हार्मोनियस रिलेशन हो चाहिए। क्या ये एकात्म चिंतन नहीं है। कहने का मतलब, आज वर्तमान काल में लोग मानने लगे हैं कि जब तक हर व्यक्ति मैं समाज का एक अंग हूँ इस बात पर विश्वास नहीं रखता, समाज का विकास नहीं होगा। नंबर एक। नंबर दो, समाज के जो वरिष्ठ स्तर के लोग हैं उन्होंने तो ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा समाज के प्रति कुछ दायित्व है। और इसीलिए गांधी जी ने, दीनदयाल जी ने जो ट्रस्टीशिप संकल्पना रखी, जिसके ऊपर लोहिया जी भी विश्वास कर रखते थे, आज ट्रस्टीशिप पर मान्यता मिली है। देखिए ना, फिलान्थ्रोपी का जो उदय हुआ है, नीलेकणी दाम्पत्य, प्रेम जी, ऐसे कई लोग हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि मैंने जो धन कमाया उसका उपयोग मैंने समाज के लिए करना चाहिए। अब ये एकात्म मानव दर्शन को प्राप्त हुआ सर्टिफिकेट है या नहीं। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन में, शायद दूसरे व्याख्यान में, रेने देकार्ते, चार्ल्स डार्विन और मार्क्स, तीनों विचारकों के विचारों की आलोचना की है। वह कहते हैं, देखो,
देकर देने फ्रैक्शनल और कंपार्टमेंटलाइज्ड थिंकिंग किया. मैंने अभी उल्लेख किया कि हमने इंटीग्रल थिंकिंग की, होलिस्टिक थिंकिंग की, एकात्म चिंतन की श्रेष्ठता माननी चाहिए. आगे जाकर दीनदयाल जी बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिद्धांत रखा जी. हम नहीं विश्वास करते. हम कहते देखिए, दरिद्र नारायण हमारे लिए भगवान है. विवेकानंद से लेकर, अरविंद से लेकर, दयानंद से लेकर, गांधी जी से लेकर दीनदयाल जी तक, सब लोगों ने ये स्वप्न हमारे सामने रखा है कि जब तक दरिद्र नारायण हमारे जीवन में भगवान नहीं बनता, मेरा खुद का कल्याण नहीं होगा, समाज का कल्याण नहीं होगा. और मार्स के बारे में दीनदयाल जी ने कहा है कि केवल संघर्ष से ही विकास होगा, इस पर हमारा विश्वास नहीं. ध्यान में रखिए कि डार्विन जब संघर्ष की आरती उतार रहा था, उन्हीं दिनों में वालेस नाम का, अल्फ्रेड वालेस, एक दूसरा चिंतक था. उसने कहा है देखिए, विश्व अनादिकाल से जीवित रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन बट बिकॉज ऑफ कम्प्लीशन. जहाँ कम वहाँ हम, ये श्रद्धा है जी. तो दुनिया आगे चलेगी, विकास करेगी. मैं दूसरे के सर पे बैठूँगा, उसको पैरों तले कुछ ख़त्म कर दूँगा, इससे काम नहीं चलेगा. और इसीलिए दीनदयाल जी ने ये बार बार कहा कि वर्ल्ड विल डेवलप इट्सेल्फ नॉट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट बट थ्रू कोऑपरेशन. और इस पर आज भी मान्यता हो चुकी है. मैं आगे जाकर क्या कहूँ? मैंने पढ़ा कहीं पर कि आप एक संस्था भी आदिवासियों के लिए, सहृदय आदिवासी संस्था चलाते हैं, और आप हमारे समक्ष हैं, तो आपके द्वारा संचालित संस्था के विषय में भी हम जानना चाहेंगे. देखिए, मैं जिस संस्था का अध्यक्ष हूँ उसका नाम है सह्याद्री आदिवासी बहुविध सेवा संघ. ये ठाणा और नासिक दोनों ज़िलों के बॉर्डर पे खड़ी है. हमने वहाँ एक भगवान गणेश का मंदिर खड़ा किया है. आज पूरे इलाके में वह तीर्थ क्षेत्र हो चुका है. वहाँ के आदिवासी भाई बहनों को भिन्न भिन्न रोगों के कारण जो बाधाएं पहुँचती हैं, वह दूर हटाने के लिए हम महीने में दो बार ठाणा और डोंबिवली के डॉक्टर्स को लेकर वहाँ जाते हैं और उनको विनामूल्य उपचार किया जाता है. आज नतीजा ये हुआ है कि लोग बड़े विश्वास से हमारे यहाँ आते हैं, दवा ले जाते हैं, अच्छा आनंद लूटते हैं. वहाँ की शिक्षा के बारे में भी लगभग 60-65 बालवाड़ियाँ हम चलाते हैं. अनुभव हमारा अच्छा है कि आखिर जब तक वहाँ का कुपोषण समाप्त नहीं होता, विकास के गंगा वहाँ नहीं पहुँचेगी. तो इसलिए उस दिशा में भी हम कुछ कोशिश कर रहे हैं. वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, इसलिए हमने एक थैली प्रकल्प चलाया है. यानी प्लास्टिक के बारे में विरोध का अभियान तो अभी चल रहा है, लेकिन हमने शुरू से कपड़ों की थैलियाँ बनाना शुरू किया. आदिवासी महिला को, आदिवासी पुरुष को रोज़गार मिलता है, वो सिलाई का काम वह करता है. हमारी थैलियाँ लंदन तक जा पहुँची है, जर्मनी तक जा पहुँची है. उसके अलावा भिन्न भिन्न उपक्रम हम चलाते हैं. जैसे लगभग 2,500-5,000 छात्रों को कंपास बॉक्स, नोटबुक्स, बुक्स मुफ्त देने का हम प्रबंध करते हैं. महिलाओं में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, इसलिए उनको हर एक को साइकिल मिले, ये कोशिश हमने की. और कई छात्राएं आदिवासी भाग में अपने घर से साइकिल से स्कूल जाती है. मेरे ख्याल से एक और विशेषता बताना आवश्यक है. हमने लोगों ने ये सोचा कि देखो, हमें तो पेंशन मिलता है, ईश्वर की दया से
बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ न कुछ बीमा पॉलिसी हमें सहायता देती है। आदिवासी व्यक्ति जब बूढ़ा होता है उसको आधार कौन देगा? तो हम जितने मुंबई से जाने वाले कार्यकर्ता है अपने जेब से हर माह 100-100 रुपए का कंट्रीब्यूशन देते हैं, बैंक में वह रकम रखी जाती है, उससे बीमारी के दिनों में, बुढ़ापे के दिनों में उनको कुछ अर्थ सहाय मिलने लगता है। बहुत काम बड़ा है ये मेरा दावा नहीं, लेकिन कुछ न कुछ योगदान समाज के चरणों में हो रहा है। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं सर, आप सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आखिरी प्रश्न के तौर पर नहीं, आखिरी विषय के तौर पर मैं ये बस कहना चाहूँगी आपसे कि दी संडे पोस्ट के दर्शकों को आप सिर्फ हमें बताएं, अपना आशीर्वाद स्वरूप हमें आशीष वचन दें कि व्यक्तिगत तौर पे हम कैसे सामाजिक उत्थान में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और मुल्हैया ने तो राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता पे बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ विचार किया है, लेकिन असल जो मूल राष्ट्रीयता है उस पर हम क्या कह सकते हैं और आप अपने इस पर हमें विचार बताएं। देखिए, चाहे लोहिया जी हो, गांधी जी हो या दीनदयाल जी हो, उनकी राष्ट्र की संकल्पना एक विशेष संकल्पना है। वो ये नहीं कहते जो यहाँ पैदा हुआ वो केवल पैदाइश के कारण राष्ट्रीय बन गया, ये धर्मशालावाद नहीं है। वास्तव में तीनों ये कहते हैं कि जब तक इस भूमि के बारे में, भूमि पर उत्पन्न हुई संस्कृति के बारे में, यहाँ के श्रद्धा स्थानों के बारे में एक अनुपम प्रेम नहीं रहता, तब तक उस व्यक्ति को हम राष्ट्रीय नहीं कह सकते। और अपने भाग्य से ऐसे उदाहरण कई है, आवश्यकता नहीं हर व्यक्ति ने हिंदू ही होना चाहिए। अब रसखान हिंदू थोड़ा था, APJ अब्दुल कलाम हिंदू क्या है क्या? सैयद अटा हसनैन जो आज भी श्रीनगर में एक मिलिट्री का नेतृत्व करके निवृत्त हो चुके हैं, सबा नकवी है, मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, हमीद दलवाई है। कहने का मतलब, ऐसे जितने श्रेष्ठ मुसलमान, श्रेष्ठ क्रिश्चन इस भूमि की संस्कृति पर मन से प्रेम करते, निरपेक्ष प्रेम करते, गांधी जी, दीनदयाल जी, लोहिया जी उनको राष्ट्रीय ही कहते हैं। उस हिसाब से ना गांधी जी को, ना दीनदयाल जी को, ना लोहिया को पाकिस्तान मान्य था। पूरा भारत एक है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। दो उदाहरण मैं और दे सकता हूँ। एकात्म मानव दर्शन के ऊपर दीनदयाल जी ने लगभग 54 साल पहले जो 4 व्याख्यान दिए थे, पहले व्याख्यान में आपको आश्चर्य लगेगा, दीनदयाल जी ने हफीज़ मोहम्मद इब्राहिम नाम के मुसलमान की प्रशंसा की है। दीनदयाल जी कहते हैं, वास्तव में ये मुस्लिम लीग का व्यक्ति, घटना पुरानी 1939 की, उत्तर प्रदेश का ये मुस्लिम लीग की टिकट पर चुनकर आया हुआ विधानसभा का सदस्य था, उसको लगा कि मैंने मुस्लिम लीग का इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए, परंतु मैंने मतदाताओं को क्या बताया था चुनाव के समय कि मैं मुस्लिम लीग का हूँ, तो उनको अंधेरे में रखकर कांग्रेस में प्रवेश करना ये गलत है, तो मैं मेरा त्यागपत्र दूंगा, कांग्रेस के सदस्य के नाते फिर से चुनाव लड़ूंगा, विजयी हुआ तो ठीक है, अन्यथा मैं पराजय का भी स्वीकार करूंगा। दीनदयाल जी कहते हैं, हमारी दृष्टि में चाहे वह मुस्लिम लीग का सदस्य हो, मुस्लिम हो, हम उसे राष्ट्रीय कहेंगे। ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ए मैन ऑफ वैल्यूज इज नेशनल। आगे जाकर दीनदयाल जी ने कहा है कि विष्णु सहस्र नाम, यानी भगवान विष्णु को सहस्र नाम है, मानो अल्लाह का भी नाम उसमें समायोजित किया, आसमान नहीं गिरने वाला। लोकमान्य तिलक जी ने श्री गणेशोत्सव का श्री गणेशा किया,
लेकिन उन दिनों में तिलक जी ने अग्रलेख लिखे है केसरी में और कहा है, यदि हिंदुओं को भगवान गणेश की पूजा करने का अधिकार है, सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने का हक है, तो मुसलमानों को भी ईद और मुहर्रम मनाने का हक है। दिस इज इंडिया। कहने का मतलब, हम हिंदुओं को एकदम गले लगाएंगे और मुसलमान क्रिश्चियन को सेकेंडरी सिटीजनशिप देंगे, ये दीनदयाल जी को मंजूर नहीं था, लोहिया जी को मंजूर नहीं था, गांधी जी और विवेकानंद को भी मंजूर नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में हमने और आपने व्यक्तिगत स्तर पे क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मिलता है। यदि मेरा इस रिश्ता है भूमि के साथ, तो केवल इस रिश्ते का स्मरण संकट काल में करना गलत, यानी कहा जाता है ना, दुख में सुमिरन न करे, सुख में करे न कोय, सुख में सुमिरन न करे तो दुख काहे को होए। तो सुख का क्षण हो, दुख का क्षण हो, घड़ी संकट की हो, घड़ी आनंद की हो, मैं इस भारत माँ का पुत्र हूँ, ये राष्ट्र मेरे लिए दैवत रूप है, इसका ख्याल हम लोगों ने करना चाहिए। और विशेषतः हमारे ही समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दरिद्र नारायण है, उनको भगवान मानकर उनके लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। अ मैन ऑफ वैल्यूज इज नेशनलिज्म। आप हमारे साथ दी संडे पोस्ट में आए, हम पूरी टीम के साथ आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुशी हुई, कारण अगली पीढ़ी को डॉक्टर लोहिया के बारे में, दीनदयाल जी के बारे में जानकारी देना यह हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। देन एंड देन ओनली इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू ओवरकम कंज्यूमरिज्म, परमिसिविज्म एंड फिलिस्टिनिज्म। तो इसलिए मैंने केवल मेरा कर्तव्य निभाया, आपको धन्यवाद।